दर्शकों को भी नहीं पता था। सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। सेनापति ने धीरे से राजा को पूछा, क्या बात है महाराज, आप यहाँ क्यों रुक गए? हमें तो रिहानगढ़ जाना है, रात ज्यादा हो गई तो हम समय से नहीं पहुंच पाएंगे। राजा ने अपने सेनापति के कंधे पे हाथ रखा और उसे एक पर्चा निकाल कर दिखाया। सेनापति देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए और बड़े ही प्यार से पूछने लगे, ये खूबसूरत लड़की कौन है महाराज? महाराज ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, ये है राजकुमारी नंदिता, मानगढ़ की होने वाली महारानी। जब पहली बार मैंने इसे तलवारबाजी करते हुए देखा तो मानो वो तलवार सीधे मेरे दिल पर उतरी हो। देखने में बला की खूबसूरत, सैन्य कुशलता के क्या कहने और वाद विवाद में अव्वल। हर वो चीज जो मानगढ़ अपनी महारानी में तलाशता हो इसके पास है, बस एक बात की कमी है। महाराज बोलते बोलते चुप हो गए तो सेनापति ने उत्सुकता से पूछा, और वो कमी क्या है महाराज? महाराज ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, बेहद हठी है। इस पर सेनापति ने कहा, तो इसका इंतजार आप आज इस वक्त जंगल में क्यों कर रहे हैं? महाराज हंसते हुए बोले, क्योंकि वो आज और इसी वक्त गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी कर इस जंगल के रास्ते अपने राज्य सहमलपुर लौट रही है। महाराज का इतना बोलना था कि सामने से बिजली की तरह काले घोड़े पर सवार राजकुमारी नंदिता उसकी तरफ बढ़ी आ रही थी। वो लंबे खुले बालों को लहराते हुए एक हाथ में घोड़े की लगाम को पकड़ी थी। उसका हसीन चेहरा देखने लायक था। घोड़ा बड़े ही जोर से हिनहिनाया और इतने सारे लोगों को देखकर रुक गया। उसके गति से जो धूल का गुबार उठा था, जब वो हटा तो राजकुमारी नंदिता ने देखा कि उनके सामने एक महाराज अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ उसके रास्ते में खड़ा है। उन्होंने सामने खड़े महाराज से पूछा, क्या हुआ, क्या आप सब रास्ता भटक गए हैं या फिर शिकार हाथ से चूक गया जो यूं बीच रास्ते खड़े हैं? आने वाले राहगीरों को दिक्कत होगी। महाराज अपने घोड़े पर सवार धीरे धीरे राजकुमारी नंदिता की ओर बढ़ने लगे। उन्हें बढ़ता देख उनकी टुकड़ी भी आगे बढ़ी और महाराज ने हाथ दिखाकर रोक दिया। राजकुमारी नंदिता को मानगढ़ के राजा का प्रणाम। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर राजकुमारी चौंक गई। वो कुछ बोलती उससे पहले महाराज ने कहा, सीधी बात करेंगे आपसे, हम चाहते हैं कि आप हमारी पटरानी बने। राजकुमारी थोड़ी चौंकी और फिर बोली, पर यूं किसी का रास्ता रोकना कहां तक जायज है? आप राजमहल आ जाइए, वहीं हमारे माता पिता से बात कर लीजिएगा। ये सुनकर महाराज आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और राजकुमारी को चेतावनी देते हुए बोले, बात मत घुमाओ, सीधा हाँ बोलो, अन्यथा इस घनघोर जंगल से कहाँ गायब हो जाओगी पता भी नहीं लगेगा। राजकुमारी नंदिता ने अपने घोड़े को थपथपाया और घोड़ा तेजी से हवा में उछल गया। घोड़े को यूं देख महाराज दो कदम पीछे हो गए, तभी उनकी टुकड़ी ललकारते हुए आगे बढ़ी, जिस पर राजकुमारी नंदिता ने महाराज को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, महाराज आपके पास हमें देने के लिए कुछ भी अनोखा नहीं है, या यूं कहें कि हमें खुश करने वाली आप में कोई बात नहीं है। आप अपनी रानियों के साथ महल में खुश रहिए, मुझे आपकी पटरानी बनने का शौक नहीं है। वैसे भी आप हमें वो